इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले का अंत विवादास्पद तरीके से हुआ। दरअसल दिल्ली की टीम भले ही मुकाबला 15 रनों से हार गई, लेकिन अंपायर के फैसले पर सवाल उठाकर उसने खेल भावना की धज्जियां उड़ा दी। मैच के अंतिम ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये ड्रामा नो बॉल को लेकर था, जो कि अंपायर ने नहीं दिया। इसके बाद ऋषभ पंत समेत दिल्ली कैपिटल्स का पूरा खेमा नो बॉल की मांग करने लगा। पंत तो अपने दोनों बल्लेबाजों को वापस बुलाने लगे। इस बीच मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज कुलदीप यादव के बीच मैदान पर भिड़ंत हो गई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुलदीप और चहल आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये उस समय की बात है जब ऋषभ पंत अपने बल्लेबाजों को वापस बुला रहे थे, तभी क्रीज के पास मौजूद चहल कुलदीप के पास आ गए और उन्हें रोकने लगे। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि चहल बल्लेबाज कुलदीप को बाहर जाने से रोक रहे थे और उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए कह रहे थे। चहल उन्हें धकेल कर बल्लेबाजी करने के लिए कह रहे थे। हालांकि दोनों के बीच ये सब मजाक मजाक में चल रहा था। दरअसल दिल्ली को आखिरी ओवर में 36 रनों की दरकार थी। रोबेन पावेल ने मकई की पहली दो गेंदों पर छक्के जड़ मैच को रोमांचक बना दिया। तीसरी गेंद मकई यॉर्कर डालना चाहते थे, मगर वो फुल टॉस पड़ गई और पावेल ने इस पर भी लंबा छक्का जड़ दिया। ये गेंद कमर के आसपास थी, मगर लेग अंपायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया। इसके बाद ऋषभ पंत समेत दिल्ली कैपिटल्स का पूरा खेमा नो बॉल की मांग करने लगा। जब अंपायर ने उनकी एक ना सुनी तो पंत ने अपना आपा खो दिया और खेल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बल्लेबाजों को पवेलियन आने को कहा। हालांकि कोई बल्लेबाज मैदान छोड़कर नहीं गया, मगर पंत के इस रवैये की हर कोई आलोचना कर रहा है और इसे खेल भावना के विपरीत बता रहा है।